नेक्स्ट टाइप का इंटरैक्शन जो हम देखते हैं वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन रहता है जहां पर दो टाइप की स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, जिसमें से एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी वहां पर हार्म होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने सामने ये दो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से एक रहता है पैरासाइट और दूसरा रहता है होस्ट। यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचता है वो रहता है पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है उसे हम कहते हैं होस्ट। और ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप। ये पैरासिटिक रिलेशनशिप कई तरीके के प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के अराउंड खुद को ऐसे वून कर लेते हैं, यानी उसके अराउंड ऐसे कॉइल अप हो जाते हैं, और होस्ट की बॉडी से वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन को लेते हैं, यानी कि वो होस्ट की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन उन्होंने अपने लिए बनाया था। लेकिन यहाँ पर ये पैरासाइट्स आकर इस न्यूट्रिशन को लेने लगते हैं और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। होस्ट को सर्वाइव करने के लिए पैरासाइट के साथ साथ इवॉल्व होना पड़ता है, यानी कि होस्ट और पैरासाइट जो होते हैं वो को इवॉल्व करते हैं। अगर हम ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल लें तो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पैरासाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिनवर्म। तो ह्यूमंस जो हैं वो कैसे इवॉल्व करते हैं कि वो वहां पर कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि इन पैरासाइट्स को किल करने में हेल्प करते हैं, और वहीं साथ साथ ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी इवॉल्व कर जाते हैं, यानी कि वो वहां पर रेजिस्टेंट हो जाते हैं इन सभी सिक्रीशन से और वहां पर सर्वाइव करने के लिए केपेबल होते हैं। तो होस्ट ने अगर इवॉल्व किया तो साथ साथ पैरासाइट ने भी इवॉल्व किया, क्योंकि अगर होस्ट के अंदर कुछ एवोल्यूशन आया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्रीशंस आई जो कि इन वर्म्स को किल करने में हेल्प करेगी, तो इन पैरासाइट्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन पैरासाइट्स ने भी इवॉल्व किया और रेजिस्टेंस को डेवलप किया अपनी बॉडी के अंदर, ताकि वो भी वहां पर ग्रो हो सके और साथ ही न्यूट्रिशन डिराइव करके होस्ट की बॉडी में ही सर्वाइव कर सके। इसी को हम कोएवोल्यूशन कहते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि जो फीमेल मस्किटोज होते हैं वो पैरासाइट नहीं होते, बल्कि जो फीमेल मस्किटोज होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो कुछ प्लाज्मोडियम रहते हैं। पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। और वहीं कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी देखे जाते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, और ऐसे पैरासाइट्स को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्टोपैरासाइट्स के। वो रहते हैं लाइस यानी कि जुएं, उसके अलावा टिक्स जो कि पाए जाते हैं डॉग्स के ऊपर, कैटल्स की बॉडी के ऊपर, और साथ ही कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो होता है वो प्लांट पैरासाइट होता है जो कि प्लांट्स की बॉडी के ऊपर कॉइल होके वहां से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। और वहीं एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स देखें तो वो रहते हैं हुकवर्म, टेपवर्म और साथ ही लीचेस। ये सभी एंडोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहीं से ये न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। पैरासाइट्स की कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस रहती हैं जो कि हेल्प करती हैं इनको होस्ट की बॉडी के अंदर रहने में। कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लूज कर देते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी रहते हैं जो अननेसेसरी ऑर्गन्स जैसे कि सेंस ऑर्गन्स को लूज कर देते हैं, और वहीं कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी रहते हैं जो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। और साथ ही पैरासाइट्स के अंदर कुछ एडिसिव ऑर्गन्स और सकर्स देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन पैरासाइट्स को होस्ट की बॉडी से क्लिंग होने में, यानी कि वहां पर वो होस्ट की बॉडी से खुद को चिपका लेते हैं या फिर वहां पर कहीं किसी ऑर्गन के साथ जाकर वो अटक जाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सकर जो कि हेल्प करेगा इस पैरासाइट को कि वो होस्ट की बॉडी पर जाकर खुद को अटैच कर सके। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसके बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा फिजिकली वीक दिखता है, या फिर उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाती है, या फिर वहां पर उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही हमें पॉपुलेशन साइज में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो ये बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइट से इन्फेक्टेड है।
क्या आप जानते हैं कि नेचर में एक यूनिक तरह का पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ये क्या रहता है? कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कुकू बर्ड, ये अपने एग्स को ले करती हैं क्रो के नेस्ट में, ताकि उनके एग्स का जो इंक्यूबेशन है वो होस्ट ही वहां पर कर दे, यानी कि क्रोज। तो यहाँ पर ये जो नेस्ट है वो क्रो का नेस्ट है, जहां पर ये जो अलग से एग दिखाई दे रहा है वो कुकू का एग है, और वहीं ये जो व्हाइट कलर के एग्स हैं ये क्रो के एग्स हैं। यहाँ पर थोड़े टाइम बाद ये होता है कि जो कुकू का एग है वो भी कलर, साइज और शेप में बिल्कुल ही क्रो के एग की तरह रिजेंबल करने लगता है, ताकि जो क्रो है जब इन एग्स को इंक्यूबेट करे तो वो ये नहीं पता लगा पाए कि यहाँ पर कोई फॉरेन एग है, और उसे नेस्ट से निकाल कर ना फेंक दे। तो इस तरह का जो पैरासिटिज्म हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म।